एनटीए का अगला पेपर होने वाला है जून 19 में, और उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। और इस नोटिफिकेशन को देखकर ऐसा लगता है अब भी एक्सपेरिमेंट का सिलसिला है, जो बदलाव होते जा रहे हैं पेपरों में वो सिलसिला अभी रुका नहीं है। इस बार कुछ चेंजेस हुए हैं पेपर में, तो इस वीडियो में हम कुछ बदलाव हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और क्या चेंजेस हुए हैं इस पेपर में जो जो जून 19 में होने वाला है उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो ये लोगों के बीच कन्फ्यूज़न थी कि जुलाई में पेपर होगा या अब की बार जून में पेपर होगा, तो फाइनली नोटिफिकेशन आ गया है, अब की बार जून 2019 में पेपर होने वाला है जो एनटीए एजेंसी लेने वाली है। एनटीए एजेंसी के दो स्लॉट्स हैं पेपर लेवाने के, एक वो दिसंबर में पेपर कंडक्ट कराएगी और एक जून में। तो दिसंबर का पेपर वो कंडक्ट करा चुकी है 2018 में, तो अब जून स्लॉट्स का पेपर है जो कंडक्ट कराया जाएगा एनटीए द्वारा। तो अब एनटीए पेपर लेती है, पहले यूजीसी पेपर कंडक्ट कराती थी, लेकिन अब एनटीए एजेंसी को जिम्मा दे दिया है पेपर कंडक्ट कराने का। देखिए यहाँ लिखा हुआ है जो पेपर है वो 20 से 28 जून तक कंडक्ट कराए जाएंगे, टोटल 7 डेज पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। दिसंबर में 5 डेज पेपर कंडक्ट कराया गया था जिसमें 2 स्लॉट्स थे और टोटल मिलाकर 10 पेपर कंडक्ट कराए गए थे। अब की बार जो 7 स्लॉट्स में पेपर कंडक्ट कराए गए और हर स्लॉट्स में दो शिफ्ट होंगी, तो टोटल 14 पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे अब की बार। इसमें लिखा हुआ है टोटल 84 सब्जेक्ट्स में जो है पेपर वो कंडक्ट कराया जाएगा अब की बार, जो 874 यूनिवर्सिटी इनके लिए कंडक्ट कराया जाएगा। और इसमें नीचे लिखा भी हुआ है जो पेपर है वो जून में कंडक्ट कराया जाएगा और 3 आवर्स का पेपर होगा। तो ये पहला बदलाव था वो और टाइमिंग के ऊपर है। देखिए पिछली बार जो पेपर होता था वो उसका कुछ टाइमिंग कुछ इस तरीके से था कि पेपर 9:30 से 10:30, आधे घंटे का ब्रेक होने के बाद 11 से 1 बजे तक का स्लॉट था, तो टोटल इस तरीके से स्लॉट था। लेकिन अब की बार जो बदलाव हुए हैं वो 30 मिनट्स के ब्रेक को हटा दिया गया है और अब जो पेपर है वो 3 घंटे का डायरेक्ट स्लॉट्स में कंडक्ट कराया जाएगा। तो वो जो ब्रेक था जो पहले मिलता था वो हटा दिया गया है, ये क्लियरली इसमें बताया गया है कि 9:30 से 10:30 और 10:30 से 12:30 पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। जो पेपर वन होगा उसमें टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और पेपर टू में 100 क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन का टोटल पेपर होगा और जो 300 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं उनके बारे में बताया गया है नोटिफिकेशन में। देखिए पिछली बार यूजीसी कंडक्ट कराती थी, लेकिन दिसंबर से एनटीए को जिम्मा दे दिया है। इसमें लिखा हुआ है 30 मिनट्स का ब्रेक जो है वो हटा दिया है, पहले 3 पेपर होते थे अब 2 पेपर लिए जाएंगे, जो दिसंबर में ही चेंज हो गया था, लेकिन अगली बार सिर्फ 30 मिनट्स को हटाया गया। ये चेंजेस हुए हैं, कुछ पेपर के स्लॉट्स बढ़ा दिए गए हैं, तो ये कुछ अदर चेंजेस हुए हैं पेपर में। तो इसमें से ये सब लिखा हुआ है। पेपर का जो नोटिफिकेशन है वो 4 फरवरी 2019 को आया है और जो 1 मार्च से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 30 मार्च से तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, 15 मई को एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं आप, 20 से 28 जून तक पेपर कंडक्ट कराया जाएगा और आंसर की जुलाई में अपलोड कर दी जाएगी। 15 जुलाई तक रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, इसमें बताया गया है कि 15 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये सब था जो इसमें बताया गया है। इसमें टाइमिंग के लिए बताया गया है कि क्या क्या टाइमिंग होगी पेपर के लिए, किस किस स्लॉट्स में पेपर शिफ्ट में पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। तो बस ये छोटा सा वीडियो था जो आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो अगर आई होप गाइस आप लोगों को सीखने को मिला होगा इस वीडियो से, अगर कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बेल बटन को दबा दीजिएगा। उससे क्या है हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे जो हम नेक्स्ट वीडियोस डालेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो यूजीसी नेट के ऊपर ही होगा, उसमें सिलेबस और अदर किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करें वो सब कुछ बताया जाएगा। 1 मार्च को जब फॉर्म आएंगे तो हमारी वीडियो द्वारा बता दिया जाएगा कि और क्या चेंजेस हुए हैं, उसी दिन हम नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उसमें कंप्लीट डिस्कशन होगी। एक शॉर्ट नोटिफिकेशन था जो बताया गया है, इसमें कुछ टाइमिंग और पेपर के बारे में एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया गया है। और जो फुल्ली नोटिफिकेशन होगा वो 1 मार्च को अपलोड किया जाएगा, तो उसकी वीडियो भी हमारे द्वारा आप लोगों को बता दी जाएगी। तो बस इतना ही था, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस।